सांसद ललन सिंह पहुंचे पटना, सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। सीट का बंटवारा जब होगा तब सब कुछ पता चल जाएगा। घटक दल के साथ सीट शेयरिंग की बात होगी, बातचीत चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी गई है। ऐसे में इसको लेकर जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, सबको अनुकरण करना चाहिए, हम लोग सब लोग राम को मानते हैं। जहां तक शराबबंदी का सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर एक मिसाल पेश किया है और हमारी मांग है कि हर राज्य को इसका अनुकरण करना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा था, खरमास के बाद खेला होगा। इस पर उन्होंने कहा, उनको गंभीरता से मत लीजिए। सीट है या सीट का बंटवारा जब होगा तब ना आपको पता चलेगा कि कौन किस कितना सीट पर लड़ रहा है। पहले से उसका आकलन आप आकलन कर रहे हैं, आपके आकलन करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। अब ये आपको हम थोड़ी आपके माध्यम से हम सीट शेयरिंग की बात तो करेंगे नहीं, हम सीट शेयरिंग की बात करेंगे या पार्टी जो सीट शेयरिंग की बात करेगी वो जो घटक दल है उनके साथ बात। कब तक बात होगी सर? बात ही चल रही है सर। अयोध्या में जिस 22 तारीख को शराबबंदी की गई एक दिन के लिए, आप लोग ने यहाँ शराबबंदी पहले से ही लागू किया, क्या कही हाल में? देखिए, अयोध्या का विवाद और वो ये अलग है, ये दोनों अलग चीज। आप जो अयोध्या का जो विवाद है वो राम मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति, हम सब लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हर धर्म को अपना धर्म मानने का हक है। तो हम सब लोग रामनवमी की पूजा होती है, अपने अपने घरों में रामनवमी की पूजा करते हैं, ध्वजा गाड़ते हैं, सब करते हैं, इसलिए वो कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके एक उदाहरण पेश किया है और हम लोगों की ये मांग सदैव से रही है कि अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए।